नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल आई ग्रो एप्पल में बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको TSO और HMO के विषय में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करेंगे। आजकल सभी बागवान बगीचों में व्यस्त हो चुके हैं TSO और HMO की स्प्रे करने में। तो अगर HMO और TSO के विषय में आपको किसी भी प्रकार का संदेह है तो कृपया इस वीडियो को अंत तक ध्यानपूर्वक देखें। तो सबसे पहले बात करते हैं TSO और HMO में क्या अंतर है। सरल भाषा में कहा जाए तो TSO का मतलब होता है ट्री स्प्रे ऑयल और HMO का मतलब होता है हॉर्टिकल्चर मिनरल ऑयल। परंतु इन दोनों में जो मुख्य अंतर है, जो डिफरेंस है, वो है प्योरिटी का। TSO कम प्योर होता है एज़ कम्पेयर टू HMO। HMO ज़्यादा प्योर होता है। TSO में सल्फर और क्लोरीन जैसी अशुद्धियाँ होती है, जिस वजह से जब भी हम TSO की स्प्रे पौधे के ऊपर करते हैं तो उसके ऊपर पौधे के ऊपर एक काली या ब्राउनिश कलर की परत बन जाती है, जो कि HMO के केस में नहीं होता है। अब दोनों ही ये स्प्रे ऑयल्स है और इनका जो उपयोग किया जाता है वो एज अ ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड और माइटिसाइड के रूप में किया जाता है। ऑर्गेनिक इसलिए क्योंकि ये आसानी से एनवायरनमेंट में घुल जाते हैं, एनवायरनमेंट फ्रेंडली होते हैं और स्प्रे करने के बाद मिट्टी में घुल जाते हैं पूरी तरह से। बायोडिग्रेडेबल होते हैं और एनवायरनमेंटल फ्रेंडली होते हैं ये दोनों ही ऑयल्स, और इनका ना तो पौधों के लिए कोई नुकसान है और ना ही जानवरों या इंसान के लिए भी कोई विशेष नुकसान है। तो इन दोनों के बीच मुख्य अंतर है प्योरिटी का। बाकी TSO को वैसे आप विंटर ऑयल भी कहते हैं और HMO को आप समर ऑयल भी कहते हैं। विंटर ऑयल इसलिए क्योंकि TSO का उपयोग हम जब भी करते हैं उस समय पौधा डोरमेंट स्टेज में होता है, यानी सुप्त अवस्था में होता है, और HMO का उपयोग हम तब करते हैं जब पौधे में फल तैयार होना शुरू हो जाता है, फ्लावरिंग या मतलब फल तैयार एक्टिव हो जाता है जब पौधा, तो उस समय हम HMO का उपयोग करते हैं। तो मेजर डिफरेंस ये है। अब बात करते हैं इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं। तो TSO और HMO का जो मेन बेनिफिट है वो है इंसेक्ट्स को कंट्रोल करना, यानी कीट और माइट्स को कंट्रोल करना। सांजो स्केल एक बीमारी है, इसके अलावा यूरोपियन रेड माइट है, वोली एफिड है और विभिन्न प्रकार के जो कीट पतंगे हैं उनके अंडों को ये सफोकेशन यानी घुटन करवा देता है जब भी इसकी हम स्प्रे करते हैं, क्योंकि इन कीट पतंगों के जो अंडे होते हैं सेब की खाल के ऊपर जमे होते हैं, और जब ऑयल की इसके ऊपर परत जम जाती है तो उनका जो फिजिकल प्रोसेस है, उनकी ग्रोथ का जो प्रोसेस है, वो इंटरवीन हो जाता है, उसमें यह बाधा डालता है ऑयल, जिस वजह से वो ख़त्म हो जाती है और सेब के पौधे स्केल या माइट से बच जाते हैं। तो मुख्य रूप से स्प्रे ऑयल्स का हम इसीलिए यूज़ करते हैं। अब इसको यूज़ करने की विधि क्या है। ट्री स्प्रे ऑयल या फिर HMO का जो रेशो है पानी के साथ जो सॉल्यूशन बनता है उसमें जब टाइट क्लस्टर स्टेज होती है जो फ्लावर की या मतलब डोरमेंट स्टेज होती है उस समय तक अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो इसका सॉल्यूशन बनता है 2% पानी में। यानी अगर ड्रम 200 लीटर का ड्रम है तो उसका 2% यानी 2 × 4 यानी 4 लीटर ऑयल पड़ेगा। यानी अगर 200 लीटर का ड्रम है तो उसमें 4 लीटर ऑयल पड़ेगा प्लस 196 लीटर पानी पड़ेगा। इस तरह से इसका सॉल्यूशन बनता है। और टाइट क्लस्टर की स्टेज के बाद जो पीटल फॉल की स्टेज होती है और फ्रूट डेवलपमेंट की स्टेज होती है उसमें यह 2% से 1% का सॉल्यूशन बन जाता है। यानी 200 लीटर के पानी के ड्रम में 2 लीटर ऑयल इसमें घोला जाएगा, यानी जो सॉल्यूशन बनेगा वो बनेगा 2 लीटर प्लस 198 लीटर पानी, 2 लीटर होगा उसमें ऑयल। तो इस प्रकार से इसका सॉल्यूशन बनाना चाहिए। अगर अधिक मात्रा में यूज़ करेंगे तो इसका फ़ायदे होने की जगह नुकसान हो जाएगा। और TSO या HMO की स्प्रे करते वक्त जो विशेष सावधानियां रखनी होती है वो 2 सावधानियां हैं। एक तो इनका यूज़ कभी भी हॉट वेदर यानी गर्म मौसम में नहीं करना है। जब 38 डिग्री सेल्सियस से ऊपर का टेम्परेचर और ड्राई कंडीशंस है तब आप TSO या HMO का प्रयोग ना करें। इसके अलावा जब आपको ऐसा लगता है कि पाला पड़ सकता है या फिर बारिश हो सकती है तब भी इसका यूज़ ना करें, क्योंकि अगर उस समय इसका यूज़ करेंगे तो वो सूख नहीं पाएगा और उसका इफ़ेक्ट कुछ नहीं पड़ेगा, उस स्प्रे का इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। तो TSO और HMO के विषय में ये कुछ जानकारियाँ थी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इसे कृपया लाइक ज़रूर करें, और सेब या बागवानी के विषय में अगर ऐसी ही जानकारी आप आगे भी चाहते हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।